हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट सच। तो दोस्तों, सफला एकादशी की रत कथा सुनने मात्र से, जी हाँ, ये कथा सुनने मात्र से आपको विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, सिर्फ ये कथा सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से आपके नौकरी व्यापार में आ रही अड़चने हमेशा के लिए दूर हो जाती है। जी हाँ, जिन जातक को नौकरी की समस्या है उन्हें तुरंत नौकरी लग जाती है। जो जातक नौकरी में प्रमोशन पाना चाहते हैं, ये कथा अवश्य सुने। इससे आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जिनका व्यवसाय व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, दोस्तों ये कथा सुनने मात्र से आपका व्यापार दौड़ने लगेगा। जी हाँ, ऐसा ही। जी हाँ दोस्तों, ये कथा सुनने मात्र से आपके तमाम कष्ट दूर हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये कथा जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं कथा से। सफला एकादशी पौष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है कि जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ, नदियों में गंगोत्री, देवताओं में श्री विष्णु जी, उसी प्रकार समस्त व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। 5000 वर्षों की तपस्या का पुण्य सिर्फ केवल एक एकादशी व्रत से मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी महिमा इस एकादशी व्रत की है। तो दोस्तों, सिर्फ आप सुनने मात्र से आपको कितना पुण्य मिल सकता है आप जानेंगे। तो चंबावती नामक नगर में महिष्मत नामक एक राजा था। उनके पुत्र बड़े पुत्र नाम लुम्पक था। वो बहुत ही दुष्ट और पापी था। वह सभी की निंदा करने में ही लगा रहता था। एक दिन राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। वह मजबूरी में जंगल में चला गया और रहा गिरोह की लूटपाट करने लगा। मांस फल खाकर वह अपना पेट भरने लगा। उस वन में एक पीपल का वृक्ष था जो सबको पूजनीय था। लुम्पक, जी हाँ दोस्तों, लुम्पक उस पेड़ के नीचे भी रहा। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, वह बेहोश हो गया। उस दिन एकादशी तिथि थी। अगले दिन दोपहर तक वह वैसे ही पड़ा रहा। दोपहर को किसी प्रकार उठा, कुछ फल इकट्ठे किए, दोस्तों मनी मन भगवान विष्णु जी को अर्पण कर खा लिया। जी हाँ, बीमारी और भूख से उसे सारी रात नींद भी नहीं आई। लुम्पक के साथ जब ये घट रहा था तो उस दिन सफला एकादशी थी। जी हाँ दोस्तों, निराहार व्रत एवं रात्रि जागरण करके व्रत करने से भगवान मधुसूदन उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए। जी हाँ दोस्तों, अनजाने में लुम्पक का व्रत सफल हो गया। दोस्तों इस दिन से द्वादशी के दिन प्रातः काल एक दिव्य अश्व उनके पास आया और आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, इस सफला एकादशी के प्रभाव से आपको राज्य प्राप्त हुआ है। आप घर जाओ और राजसुख भोगो। दोस्तों, वह राज्य लौटा और फिर पिता को सारी बात बताई। पिताजी ने उसका स्वागत किया। काल चक्र से वह राजा बन गया। समय पर उसकी सुंदर कन्या से विवाह हुआ और उसके घर आज्ञाकारी पुत्र ने जन्म लिया। धार्मिक पुत्र प्राप्त करके लुम्पक ने राज्य का सुख भोगा। दोस्तों, इस तरह सफला एकादशी के फल से मानव इस लोक में यश तथा परलोक में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो दोस्तों, इस व्रत द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का फल भी मिलता है। दोस्तों, इस तरह इस फल यानी कि सफला एकादशी का व्रत करने से आपको यश धन संपदा सभी मिल सकता है। दोस्तों, यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं, ये कथा सिर्फ पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो आपके तमाम कष्ट दूर हो सकते हैं। तो दोस्तों, इतनी बड़ी महिमा इस सफला एकादशी की है। जी हाँ दोस्तों, ये व्रत अवश्य करें। तो दोस्तों, सफला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये व्रत अवश्य करें। नहीं भी करते हैं तो भगवान विष्णु जी का नाम स्मरण अवश्य करें, इससे आपको फायदा ही होगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और कमेंट्स में जय श्री विष्णु नमः, जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखेगा। धन्यवाद।